हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमें स्टेट्स दी हुई हैं और हमें स्टेट वाइज स्टूडेंट टीचर की रेशियो दी हुई है और हमें इस गिवन डाटा का मोड और मीन निकालना है। अब मोड का सबसे पहले हम निकालेंगे मोड। मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, इन सब में से सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है? जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लेते हैं f1। उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी f नॉट और उसके नीचे की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी f2। f1 के सामने जो हमारी क्लास आ रही है उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 30। ठीक है, ये लोअर लिमिट होगी और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा h, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा 5। सारा कुछ इस वैल्यू में उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूला में। लोअर लिमिट 30 है, f1 10 है, f0 9 है, 2f1 मेरा है 2 इंटू 10, f0 9 है और ये 3 और इंटू 5। 30 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 20 माइनस 12, 30 प्लस 5 अपॉन 8। ठीक है, और हमें पता है कि 5 अपॉन 8 जब हम करेंगे तो 48 जाता है 6 पे, तो इसको सॉल्व करके कुछ 0.6 आएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 30.6, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। मतलब जो मेरी स्टूडेंट टीचर की रेशियो है, जो मैक्सिमम मेरा रहेगा इस क्वेश्चन में, मैंने कहा था हमें फाइंड करना है, फाइंड द मोड। जो मोड आएगा इस, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में, वो आएगा 30.6। अब ये तो मोड का फॉर्मूला लगाया, अब हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम इसी क्वेश्चन में मीन निकालने वाले हैं इसी डाटा को यूज करके। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज चाहिए होती है, वो है मिड वैल्यू। अब डाटा इंटरवल्स में है तो मिड वैल्यू तो है नहीं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालने वाले हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। मिड वैल्यू एक्स हो गई, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 15 प्लस 2 क्या होगा, 15 प्लस 20 होगा 35, और 35 अपॉन 2 होगा मेरा 17.5। यहाँ आ जाएगा 17.5, ऐसे 20 और 25 हो जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 22.5, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 27.5, देन वी हैव 32.5, देन वी हैव 37.5, देन वी हैव 42.5, देन वी हैव 47.5 और लास्ट में वी हैव 52.5। इनमें से कोई भी वैल्यू हम शॉर्टकट या ज्यूम मीन से मीन निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से थोड़ा सा जो वैल्यूज होती है वो हमारी मुश्किल होती है सॉल्व करने। इस वैल्यू को मैं क्या ले लेती हूँ, इस वैल्यू को मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है, अब डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है एक्स माइनस ए, तो डेविएशन क्या निकलेगा, 17.5 में से 32.5 गए, कितना आ जाएगा माइनस का 15, फिर माइनस का 10, देन वी हैव माइनस का 5, देन 0, देन 5, देन 10, देन 15, देन वी हैव 20। और यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ हमने निकालना है एफ डी। फ्रीक्वेंसी ये है, जो भी नंबर होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। इसका टोटल भी कर लेंगे अभी। ठीक है, इसका टोटल आएगा 8 और 3 11, 11 एंड 9 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 3 30, टोटल आएगा 35। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी एफ डी क्या होगा, एफ इंटू डी, दैट इज माइनस का 45, देन वी हैव 8 इंटू माइनस 10 माइनस का 80, देन वी हैव 9 इंटू 5 माइनस का 45, देन वी हैव 10 इंटू 0 दैट इज 0, देन वी हैव 3 इंटू 5 दैट इज 15, देन 0 इंटू 10 इज 0, देन वी हैव 0 इंटू 15 दैट इज 0, देन वी हैव 2 इंटू 20 दैट इज 40। इनको एड करेंगे ये बनेगा 55। ठीक है, और ऊपर वालों को बनेगा 45, और 45 होगा मेरा 90, 90 और 80 हो जाएगा मेरा माइनस का 170। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबमिशन एफ डी क्या आ जाएगा, सबमिशन एफ डी आ जाएगा माइनस का 170 प्लस का 55, तो ये आ जाएगा 170 में से 50 गए, 125 और गए, 150। ठीक है, तो जो मेरे पास आंसर आएगा सॉल्व करके इस सबको डाटा को, मेरे पास मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। ए क्या है, 32.5 है, सबमिशन एफ डी क्या है, माइनस का 115 है, और सबमिशन एफ क्या है, सबमिशन एफ है 35। 32.5 माइनस 115 अपॉन 35,
फाइव से इसकी कटिंग कर देंगे, फाइव से इसकी कटिंग कर देंगे तो ये आएगा, ये गया मेरा फाइव के टेबल पे 23 पे, और ये मेरा गया फाइव के टेबल पे 7। तो 23 अपॉन 7 दैट इज, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी 21, फिर से 2 आएगा, मतलब ये 3.2 आएगा। तो 32.5 में से माइनस का 3.2, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लो 32.5 और यहाँ पे आएगा 3.2, 3 ये आएगा 9, 29.3। तो जो मेरा क्वेश्चन में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29.3। तो मेरा मीन जो आ रहा है इस क्वेश्चन में वो कितना आ रहा है 29.3। मोड हमने 30.6 पहले निकाल लिया है, तो जो हमारा ऑन एन एवरेज आ रहा है स्टूडेंट टीचर रेशियो वो 29.3 आ रही है, और जो मेरा उसमें आ रहा था मैक्सिमम आ रही है वो 30.6 आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रन स्कोर दिए हुए हैं टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, और हमें इस डाटा का मोड निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वाला मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इन सब में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी F1 ये हो जाएगी, इसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2, ठीक है। और F1 के सामने वाली जो लिमिट है लोअर लिमिट वो 4000 है, तो लोअर लिमिट 4000, F1 हो जाएगी मेरी 18, और F0 क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा मेरा 4, और 2F1 क्या होगा, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9, और H इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 1000। सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिख देंगे, 4 प्लस 14 अपॉन 36 माइनस 13 इंटू 1000, तो ये बनेगा 4000 प्लस 14 अपॉन 23, और ऊपर आ जाएगा 14000 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14000 है, और नीचे आएगा 23, डिवाइड करेंगे 23 6 पे जाएगा 6 to the 138, 220, ये फिर आ जाएगा यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी, 23 के टेबल पे 7 पे 21 और 14 नहीं 23 8 जा 2 ये आएगा 8 पे गया 24, ये आ जाएगा यहाँ पे 184 6, और यहाँ पे आएगा 116 आ गया, यहाँ पे 160 लगा लो, और अब दोबारा से ये जाएगा 23 7 पे करके देखते हैं 21 2 1, ये दोबारा से आपका यहाँ पे 6 पे जाएगा, तो ये आएगा 4000 प्लस 608.6। तो इसको सॉल्व करके आएगा 4608.6 को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हमारी सॉल्व करके एक्चुअल में वैल्यू आ रही है। तो अब क्या है, ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा इस क्वेश्चन में मोड निकला है, मोड ऑफ द डाटा क्या आ रहा है, जो मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास स्कोर वो कितना आ रहा है 4608.6। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 14.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें कुछ कार्स दी हुई है, नंबर ऑफ कार्स जो पास कर रहे हैं एक स्पॉट से एक रोड पे 100 पीरियड्स के लिए, और जो ड्यूरेशन है हर एक उसका वो 3 मिनट का है, और ये डाटा ऐसे समराइज कर दिया गया। हमें मोड निकालना है इस डाटा का, मोड का फॉर्मूला यही होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इनटू H, ठीक है। सारी वैल्यूज उठा के क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी F1 20 हो जाएगी, इसके ऊपर वाली F0 हो जाएगी, नीचे वाली F2 हो जाएगी, और जो लोअर लिमिट है F1 के सामने वाली लोअर लिमिट 40 हो जाएगी। तो 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, और इनके बीच का 10 का डिफरेंस है हाइट। सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दी, आ जाएगा 8 40 माइनस 23 इंटू 10, ये आ जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन 17, तो 85 पे ये 17 5 से जाता है, तो ये 4 कुछ बनेगा, मतलब यहाँ पे 68 आएगा ना, ऐसे सॉल्व करेंगे 80 और यहाँ पे 17, ये से हमारा जाएगा 4 पे यानी कि 68, ये 12 आ गया, ठीक है, 17 7 पे नहीं 6 पे, 6 पे जाता है तो 112, ये आएगा आपका 4.6, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 4.6, तो आंसर आएगा 44.6। तो इस डाटा का जो मोड हो जाएगा हमारा, इस डाटा का जो सिंपली मोड होगा वो होगा हमारा 44.6। तो ये हमारा 44.6 इसका मोड आ गया है। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए इस एक्सरसाइज के, अभी हम आगे भी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।